दोस्तों, हम अपने घर के खिड़की, दरवाजे या चौखट को दीमक से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों के घरों में होता है। और दोस्तों, आप देख सकते हो ये मेरा घर है, उसमें पूरी तरीके से दीमक जो है हमारे चौखट को खा चुका है और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर चुका है। शायद पहले इसका सोल्यूशन मैं निकालता तो ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में इसका जो है सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने क्या कुछ इसके लिए निकाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टर्मिनेटर लकड़ी के दीमक को मारने के लिए और लकड़ी को दीमक से सेफ रखने के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये पिडलाइट कंपनी के तरफ से आता है और इसका डब्बा जो है लिक्विड में है। तो फ्रेंड्स, ये लिक्विड में है और काफ़ी अच्छा है। इसे इधर देखें तो दोस्तों, हाउ टू यूज़, इसे यूज़ कैसे करें दोस्तों, इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया गया है रेडी टू यूज़। सबसे पहले आप इसे सीधे लकड़ी पे अप्लाई कर सकते हो, इसमें बिना कुछ ऐड किए हुए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप चाहो तो प्राइमर इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे सीधे यूज़ करो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। तो फ्रेंड्स, इस प्राइमर का यूज़ हम लकड़ी पे अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, और इसका जो यूज़ करने का तरीका है, ये आप इसे ब्रश में अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो आप स्प्रे में। तो फ्रेंड्स, मैं अपने तरफ से सजेस्ट करूँगा आप अच्छे से इस पे स्प्रे से यूज़ करें, तो दोस्तों इससे आप भी काफ़ी अच्छा सेफ रहे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये डब्बा जो है 500 ml का है और इसका जो प्राइस है 170 रुपीज़। दोस्तों आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है पूरे लकड़ी पे अप्लाई करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब दोस्तों हमारे चैनल को करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।